हेलो दोस्तों, आज हम एक गांव की सैर करने आए हैं जो कि अब सुंदरनगर से कुछ दूरी पर है। गांव का नाम है भुडुडी और भुडुडी गांव की कुछ नज़ारे हैं, कुछ गांव के इंसानों का मतलब गांव के आदमियों का जो भी है, यहाँ रहने वाले इंसान किस तरह से रहते हैं, कैसा घर बनाते हैं, कैसा उन लोगों का रहन सहन है, यही सब आपके सामने लेके आ रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं गांव के बारे में। तो आइए देखते हम कुछ आपको इस गांव के कुछ करामाती दिखाते हैं कि किस तरह के यहाँ के किसान किस तरह क्या बनाते हैं। ये लगता है वो जो खपरा वाला घर होता है ना, खपरा वाला घर पे जो ऊपर में सपोर्ट के लिए बना होता है वो है। इस पे क्या होता है, वो बीच वाला भाग टिका होता है और ये साइड जाता है, इसको दीवार के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये दोनों उसी के लिए बनाया जा रहा है और कुछ उधर में भी बना रहे हैं लोग। तो ये पहले तो ऐसे लग रहा था ना कि कुछ धान उन कूटने के लिए जो बनाया जाता था वहाँ पे, ऐसा कुछ लग रहा था, बट अभी हम लोग को पता चला कि ये आपका वो घर का सपोर्ट के लिए बना होता, छत को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है चीज़। ये गांव के कुछ खास चीज़ें हैं जो हमारे मतलब जितने शहर के लोग नहीं जानते हैं। अब ये देख रहे हैं इसके बीच ये जो होता है ना कि छत का जो ऊपरी भाग जो होता है, खपरा वाला घर या टाली वाला जो भी घर बनता है उसका सपोर्ट पे ये रहता है बीच वाला भाग, और साइड क्या करते हैं उन पूरा छत को ये सपोर्ट करता है। ये नीचे वाला भाग दीवार के साथ दोनों इंड कनेक्टेड रहता है और ये बीच वाला भाग बीच वाला को। ठीक है, देखते हैं इसी तरह से और भी कुछ। ये नीम का पेड़ का बनाया हुआ है जो काफ़ी मजबूत लग रहा है।